हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और इस वक्त अपने घर पे होंगे और मजे करते होंगे। तो गाइस, मैं फिर से भी आ चुका हूँ मुंबई के वडाला इलाके में। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ मुनावर फारूकी जी का घर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया पर बहुत ही छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दूँ कि जब से वो बिग बॉस सीजन 16 के विनर बने ना, तब से भाई वो बहुत ही सुर्खियों में चल रहे अभी। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि मुनावर फारूकी जी कहाँ पर रहते हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है और उनके फैमिली कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली सब कहाँ पर रहते हैं और उनके इनकम क्या है, उनका जो स्टार्टिंग जर्नी था वो कहाँ से था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको वही कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि वो पहले रहते थे डोंगरी में। जस्ट तो मुंबई का एक इलाका, झोपड़पट्टी इलाका था डोंगरी, वहाँ पे वो पहले रहा करते थे। लेकिन जब से वो जीते ना, तब से भाई नया घर में शिफ्ट हो गए। जस्ट तो वो बताए थे बिग बॉस में कि जब मैं विनर हो जाऊंगा, जब मैं जीत जाऊंगा तो एक बार डोंगरी में जरूर आऊंगा। और जैसे कि बोले तो वैसा जीते भी और डोंगरी में आए थे। तो डोंगरी में जब उसका मीटअप रखा गया था, मीटअप तो बहुत सारे लोग, पब्लिक का पूरा भीड़ लग गया था वहाँ पे, क्योंकि उनका जो फैन फ्लावर्स है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। वहाँ पे वो फिर घर छोड़ दिए और अभी नया घर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो वही आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो क्या, अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्या, अगर आप लोग देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करा है। सेलिब्रेट करता है स्टार्ट और दिखाता आप लोग को मुनावर फारूकी जी का घर, ठीक है। तो फिलहाल देख पा रहे मेरे पीछे बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और इस सही से बिल्डिंग में उनका जो घर है वो दिखाऊंगा आप लोगों को, आखिरकार वो किस बिल्डिंग में रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को वडाला स्टेशन से बस पकड़ना है। जी हाँ दोस्तों, और बस को बोलने का आप लोगों को कि आदर्श विद्यालय ले चलो, ठीक है। और जब आदर्श विद्यालय से जब उतरेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को जीवन बिल्डिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है भक्ति पार्क, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये है मोनो रेल स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, जो मेट्रो होता है ना, वो छोटा मेट्रो यहाँ पे उसका स्टेशन बना है, जिसका नाम है भक्ति पार्क। तो गाइस, ये रहा देख पा रहे बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में, वो कौन सा बिल्डिंग में रहते हैं आप लोग दिखाऊंगा बारीक से, ठीक है। फिलहाल देख पर आप लोग कितने बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पे बने हैं, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई ऊंचाई पे बिल्डिंग यहाँ बने हैं, ठीक है। तो यही से बिल्डिंग में उनका एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के नीचे ना एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है न्यू कप परेड। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखो पर फोटो में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और इस फोटो को पहचान सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे गेट है, 1 2 3 4 5। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे देख पा रहे मेरे पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है लोधा बिल्डिंग, ठीक है। तो इसी बिल्डिंग के अंदर मतलब बहुत सारे बिल्डिंग है, तो किसी से पता करते कि इस बिल्डिंग में कौन सा बिल्डिंग में रहते, ठीक है, कौन सा बिल्डिंग में हमारे फारूक जी रहते, ठीक है। तो गाइस, किसी से पूछते हैं, हेलो, मैं क्या बोलता हूँ, मुनावर फारूक को जानते हो आप? क्या जी जानते हो आप? उनका फैन हो क्या? उसका फैन हो? हाँ, क्या बात है। तो गाइस देख पा रहा हूँ, मैं उसका फैन बोला तो यहाँ पर मुझे मिल गया। आपका नाम क्या हुआ? आमिर। आमिर, तो उसका जो घर है, बिल्डिंग है, वो कहाँ पे पता आपको? 4 नंबर गेट के पास। हाँ भाई, बता। हाँ भाई, आता मुझे, थैंक यू भाई, सब बढ़िया। हाँ, आज देख पा रहे मेरा जो फॉर्मूला सब्सक्राइबर हो वो मुझे मिल चुके, ठीक है। तो मैं आज आया हूँ। हाँ, मिले उससे? फिर 5 बार मिला हूँ। 5 बार मिल चुके? कौन सा बिल्डिंग में रहते हो? टावर 6 में रहता है। टावर 6 में 2503 एवी। बस क्या यार, उसका फ्लैट नंबर बता रहा, 2503। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख पा रहे उसको, उसका मतलब फैन से है। मुझे नहीं है फैन, क्या बात है। तो मतलब जो भी भाई मतलब जानते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। हाँ भाई, तो फैन है, तो हम लोग चलते हैं। हम लोग 2 फैन हुए, ठीक है, अभी चलते हैं, जाके मिलते हैं और देखते हैं कि मुनावर फारूक जी का बिल्डिंग कौन सा है और कौन सा फ्लोर पर रहते, ठीक है। तो आप लोगों को मिलाऊंगा। ये जो वाला बिल्डिंग है ना, बीच वाला, हाँ, ये वाला बीच वाला बिल्डिंग है, वो उस साइड में तुमको मिलेगा। अच्छा, साइड से शायद तुमको देखने नहीं मिला, उसका फ्लोर ना अंदर साइड में, विंग में ना, अंदर साइड में। चलो अच्छा, तो गाइस देख पा रहा मैं यहाँ पे बहुत मशक्कत से आया था और भाई मुझे मिल चुका है उसका एड्रेस, ठीक है। और बाकी जो एड्रेस है आप लोग बताऊँ डिटेल में, आप लोग बस वीडियो में लगातार देखिए, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे मेरे जो दोस्त लोग है ना, वो कुछ लोग मिले हैं और देख पा रहे मेरे भाई है ना, वो भी मिल चुके, ठीक है। तो आपको दिखा तो फोटो किए, मिले कि नहीं उसे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को विश्वास पड़ेगा कि भाई ये मुनावर फारूक का ही घर है, ठीक है। तो देख पा रहे ये बिल्डिंग है लोधा बिल्डिंग और ये 4 नंबर गेट है, ठीक है। तो इसी बिल्डिंग के 25 फ्लोर पर रहते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि भाई मुझे एक दोस्त मिल चुका, ठीक है। तो देखते हैं आगे जाने का प्रयास। हाँ, तो दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ कंपाउंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे कंपाउंड के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में कौन सा बिल्डिंग
अभी आप लोग दिखाऊँ, ठीक है, यही बिल्डिंग है, लेकिन आप लोग को अंदर से लेकर चलता हूँ तभी आप लोग को अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। फिलहाल देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे बिल्डिंग है भाई, ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, ठीक है। तो फिलहाल अंदर जाने के लिए मैं चलता हूँ। तो गाइस ये रहा रिसेप्शन, यहाँ पे लिखा है लोधा इलिसियम, तो इसके अंदर चलते हैं और अंदर से आप लोग को दिखाता हूँ बारिश, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे हो जब मैं अंदर आया ना तब मुझे एक और बिल्डिंग मिला, तो इस बिल्डिंग के देख पा रहे हो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। तो मैं नज़दीक से चलता हूँ तभी आप लोग को मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे हो बिल्डिंग के नीचे ना बड़ा बड़ा पार्क है जी, तो जहाँ पे सब लोग खेलते हैं और कूदते हैं, ठीक है। देख पा रहे हो कितने सारे हरियाली यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो गाइस ये रहा कुछ अंदर का नज़ारा, ठीक है। अंदर का जो होता है कंपाउंड, उसके अंदर देख पा रहे आप लोग कितना शानदार तरीके से पार्क बनाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग रहते हैं जी दोस्तों, और बहुत सारे एक्टर लोग यहाँ पे रहते हैं। मुनव्वर फारूकी जी तो रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन लोग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख पा रहे स्विमिंग पूल यहाँ बनाया गया है जी दोस्तों, और पार्क वगैरह देख पा रहे कितने मस्त तरीके से सजाया गया है। तो गाइस फाइनली देख पा रहे ये रहा उनका बिल्डिंग मुनव्वर फारूकी जी का जी दोस्तों, इसी बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पे रहते हैं, और आप लोग को मैं देख पा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को लाइव। और ये है टावर नंबर 6 जी दोस्तों, मैं 4 नंबर से एंट्री किया था गेट नंबर से, और 6 नंबर जो है ना टावर, वो यही टावर है जी दोस्तों, इसी टावर में रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी बेहद ही आलीशान बिल्डिंग है, और देख पा रहे हो कांच से बनाया गया इस बिल्डिंग को जी दोस्तों। बालकनी देख पा रहे हो, बालकनी में ग्रीनरी लगाया गया है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है जी दोस्तों। और जो नीचे का जो पार्क है ना, यहाँ पे वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह सुबह आते हैं। तो क्या जब भी आप लोग को लेकर चलता हूँ इनके अंदर, जो इनका जो बेडरूम है वहाँ पे किस प्रकार से सजाया गया जी दोस्तों, आप लोगों को देख पा रहा बारीकी से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे ये है अंदर का नज़ारा। तो क्या देखिए ये है डाइनिंग हॉल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ देख पा रहा अंदर का नज़ारा इस तरह से है, ठीक है। तो क्या आपको बता दूँ कि जो घर है इनका ये करोड़ों रुपए का है जी दोस्तों, और इस घर में सभी तरह का फैसिलिटी उपलब्ध है। देखो कितना आलीशान और शानदार बिल्डिंग है, यहाँ पे वो रहते हैं अपने फैमिली के साथ में। पहले वो लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किए, फिर जाके यहाँ पे अपना घर लिए, इस मुकाम वहाँ पे हासिल किए। तो अगर आप लोग भी इतना मेहनत करेंगे तो शायद आप लोग भी इतना दूर तक पहुँच सकते हैं जी हाँ दोस्तों। तो गाइस आप लोगों को इनका घर अंदर से कैसा लगा आप लोग बताएं कॉमेंट में, ठीक है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस देख पा रहे ये रहा मेट्रो रेल, और इसके नीचे देख पा रहे इतना सारा बिल्डिंग है, ये है 2-3 गेट। तो आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे यहाँ लिखा है वडाला डेपो। तो दोस्तों आप लोग अगर मुनव्वर फारूकी के फैन है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग को इनसे और सारे रिलेटेड आप लोग को जानकारी दे सकूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, ये है वडाला में, ठीक है, और इसका नाम है लोधा बिल्डिंग, लोधा बिल्डिंग डालेंगे वडाला में तो आप लोग को मैप में दिख जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में।